हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 और एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक। टू वाटर टैप्स है टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ द लार्जर diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब कोई टैंक है, इस तरह से अगर हम कोई टैंक बना लेते हैं और इसको दो वाटर टैप्स है जो इसको भर सकते हैं, कितने समय में पूरा फिल कर सकते हैं 9 and 3/8 आवर्स में। एक अगर हम यहां पे इस तरह से लगा लें कि एक वाटर टैप तो ये है जो इसको फिल कर रही है और एक वाटर टैप ये है जो इसको फिल कर रही है कुछ इस तरह से है। अब सिचुएशन क्या है कि वो वाटर टैप द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, यानी कि जिसका डायमीटर ज्यादा है, यानी कि जो आसान सी भाषा में कहें कि जो बड़ी पानी की टूटी है, इसको सिंपल भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि जो बड़े वाली वाटर टैप है जो टूटी है जो इसको भर रही है वो छोटे वाले से लेस लेती है, 10 घंटे का कम समय लेती है उसको भरने में। तो अगर ये अकेले अकेले चलाई जाए तो इनको कितना समय लगेगा इस वाटर टैंक को भरने में, ये यहां पे पूछा गया है। तो यहां से एक बार स्टेटमेंट को और पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। टू वाटर टैंक्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर मीन्स लार्जर टैप कहने सिंपली आप इसको टेक्स 10 आवर लेस, ये कंडीशन है हमारे पास। एक कंडीशन ये है हमारे पास, एक कंडीशन ये है, इनको यूज करना है। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, अलग अलग अगर भरे तब की बात है। Find the time in which each tap can separately fill the tank. टाइम निकालना है जिसमें टैप अलग अलग इस वाटर टैंक को पूरा भर दे। तो इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें, मेरे बच्चों हम क्या मान लेते हैं कि let time taken by smaller tap to fill the tank means separately की बात हो रही, separately लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप। हम मान लेते हैं x hours लगते हैं इसको, यहां पे देन टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, टू फिल द टैंक, सेपरेटली। अब यहां पे समझे कि लार्जर टैप है जो, उसको 10 आवर्स लेस 10 घंटे कम का समय लगता है। तो अगर इसको एक्स आवर्स का समय लगता है तो उसको एक्स माइनस 10 आवर्स ये समय लगेगा।
उसको x माइनस 10 आवर्स, क्योंकि वो जल्दी भर देगी। यहां पे आपको समझने वाली बात है ये कि जो लार्जर टैप है वो जल्दी बढ़ता है, लेकिन उसको कम समय लगेगा। कितना कम समय लग रहा है? 10 आवर लेस। किससे? स्मॉलर टैप से। स्मॉलर टैप को हमने अगर x माना है तो ये x माइनस 10 हो जाएगा। इसकी दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर हम ऐसे करें इसको, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली, अगर हमने लार्जर टैप का एक्स आवर्स मान लिया, देन स्मॉलर, देन टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब इसको समझे कि अगर लार्जर टैप को एक्स आवर्स लग रहे हैं, लार्जर टैप को तो कम समय लगता है और स्मॉलर टैप को ज्यादा समय लगता है। लार्जर टैप को कितने घंटे कम लगते हैं? 10 आवर। तो स्मॉलर टैप को लार्जर टैप के मुकाबले कितने घंटे ज्यादा लगेंगे? 10 आवर्स। तो अब की बार यहां पे x प्लस 10 करना है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस सिचुएशन में भी ले सकते हैं, अगर आप इस सिचुएशन में लेना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इस तरह से चलते हैं। अब जो लार्जर टैप है वो एक्स आवर्स में उसको पूरा फिल कर देगा। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन होगा जैसे कि मैन, वन मैन एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। वन मैन एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, तो वन डे में कितना काम करेगा? 1/10। वन डे में वो कितना काम करेगा? उसका 1/10 काम कर देगा, 1/10। तो यहां पे फिर उसी सिचुएशन पे आ गए हम, तो हम लिखेंगे टैप, वाटर टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन वन आवर। जब वो एक्स आवर्स में पूरा फिल कर देता है तो वन आवर में कितना फिल करेगा वो? उसको 1/x वहां पार्ट उसका फिल कर देता है। अब देखो अगर वो 4 आवर्स में, एक्स की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 4 लेते हैं, अगर वो 4 आवर में टैंक को पूरा फिल कर दे, टैंक को पूरा फिल कर देता है, 4 आवर में टैंक को पूरा फिल कर देगा, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? उसका 4th पार्ट, फिर 2 आवर में हाफ कर देगा, 3 आवर में 3 पार्ट कर देगा, 4th आवर में पूरा फिल कर देगा। यानी कि 1 आवर में कितना करेगा वो? 1/4 पार्ट उसका पूरा कर देगा। तो यही हमने लिखा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक इसी तरह से वाटर टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, ये फिल करता है x+10 आवर्स में, तो 1 आवर में कर देगा ये 1/x+10। अब 1 आवर में लार्जर इतना करता है, स्मॉलर इतना करता है, दोनों को मिला देते हैं। वाटर टैंक फिल्ड बाय बोथ टैंक इन 1 आवर, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों इकट्ठे चलेंगे तो 1 आवर में इतना भर जाएगा। अब वाटर टैंक है जो इतने आवर में पूरा फिल हो जाता है जब दोनों चलते हैं। आल्सो वाटर टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप कंप्लीटली, कितना है? 9/3/8 आवर्स। तो ये हो गया 72/75/8 आवर्स। तो यहां तक पहुंच गया। अब आप देखिए
कि जो वाटर टैंक है दोनों ही टैप द्वारा इतने आवर्स में कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। सो वाटर टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इन इतने आवर्स में अगर कंप्लीटली फिल हो जाते हैं तो वन आवर में क्या होगा? देखो अगर एक्स आवर में कंप्लीटली फिल हो जाता है तो वन आवर में क्या होगा? वन बाय एक्स, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया। इतने आवर्स में पूरा फिल हो जाता है तो वन आवर में कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि एट डिवाइडेड बाय 75। अब देखो एक तो सिचुएशन ये होगी और एक सिचुएशन ये हो, दो सिचुएशन होगी, दोनों सेम है। वाटर टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इन वन आवर, तो दोनों इक्वल है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस टेन, दैट इज एट डिवाइड बाय 75। एक्स इंटू एक्स प्लस टेन, यहां पे करेंगे तो एक्स प्लस टेन और ये एक्स, एट डिवाइड बाय 75। यहां पे लिखे हैं इसको, ये हो गया 2x प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x, दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 75। यहां से x और x 2x, 2x प्लस 10 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 8 डिवाइड बाई 75। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x, यहां से दैट इज इक्वल टू 150x प्लस 750। इनको भी इधर ले आते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल टू जीरो। 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 दैट इज इक्वल टू जीरो। टू से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि फोर से ये नहीं होगा, तो टू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस यहां पे 3, 7 और 5 दैट इज इक्वल टू जीरो। टू से डिवाइड हो गया, इसको कर दिया। अब इसके फैक्टर लाना, इसका सम इतना होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में यूज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास 35 है और सी की वैल्यू -375 है, तो हम डी निकाल लेते हैं। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 35 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 375, तो डी हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 25, 35 का स्केयर करना 5 का 25, 3 की इससे अगले वाले के साथ 4 के साथ 3 की 4 साथ करेंगे 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से 375 का डबल होता है 750, 750 का डबल हो गया 1500, तो 4 से तो हमने कर दी, फिर 4 से करेंगे तो ये हमारे पास 6000 आ जाएगा, तो ये आ गया 7225, तो डी हमारे पास 7225 है, ग्रेटर देन 0 है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दोनों ही रियल रूट हमें मिलेंगे, तो निकाल लेते हैं। बहुत ही रूट सार रियल आप लिख सकते हो कि बोथ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल,
अब हम x लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई टू ए। तो यहां से माइनस बी की वैल्यू है माइनस 35, ब्रैकेट में लिख लो या सीधा ही प्लस लिख लो, प्लस माइनस रूट, ये आ गया हमारे पास 7225 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है हमारे पास 4। यहां पे x की वैल्यू आ जाती है 35 प्लस माइनस। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, 7225 का रूट निकालना है, तो पेयर्स बनाएंगे, 1 लिखेंगे तो 1 पे करेंगे, 2 लिखेंगे 2 पे लिखेंगे करेंगे, 6 लिखेंगे तो 36, 7 लिखेंगे 49, 8 64, 9 पे ज्यादा हो जाएगा, तो 8 पे 64। अब यहां पे हमारे पास 8 आ जाएगा और ये 0 हो गया, 25 ले लिया हमने, इसका डबल ले लिया, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं पेयर्स लेते हैं हम, अब 8 का डबल 16 हो गया। अब यहां 1 लिखेंगे तो 1 पे करेंगे, देखो यहां पे 5 है तो 5 लिखने में फायदा है, तो 5 पे किया जब हमने 25, 2 30 से 32, 3 से और ये 8, तो ये हो गया हमारे पास, तो यहां से हमें मिल गया 85, 7225 का स्क्वायर रूट हो गया 85, तो ये प्लस माइनस 85 डिवाइड बाय 8 आ गया। अब यहां से दो तरह से चलेगा, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 35 प्लस 85 डिवाइड बाय 8, और एक x हो जाएगा 35 माइनस 85 डिवाइड बाय 8, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 8, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 1 पे, ये 1 पे 4 और 5 पे, तो x की वैल्यू यहां से तो 15 है, यहां पे x के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ गया हमारे पास माइनस के 85 है, 35 5 कैंसिल करेंगे तो 80 और 30, तो ये आ गया माइनस के 50 डिवाइड बाय 8, माइनस 50 डिवाइड बाय 8 ये 4 हो जाएगा और ये 25, तो x इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाई 4। अब x है क्या जी, x तो टाइम है, आवर्स है, तो टाइम तो 90 नहीं हो सकता, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्टिंग लिखते हैं यार, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी 90, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x यानी दो बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो टाइम हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब आप x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, तो आप देख ले x क्या चीज है, लिखते यहां पे ध्यान लिख देते हैं, सो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली, ये आ गया x था हमारा, लार्जर के लिए हमने x लिखा है, तो ये आ गया हमारे पास 15 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक टू फिल द टैंक सेपरेटली, यह है एक्स प्लस 10 यानी कि 15 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 25 आवर्स। या आप लिख दो एक बार कि हमारा ये एक्स प्लस 10 है और ये 15 प्लस 10 यानी कि 25 आवर्स। तो पहले बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर है, एक बार फ्रेम में चेक कर लेते हैं नीचे वाली लाइन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है वो एक तो ये है, देखो आपको एक तो फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, तो टाइम निकालना है, तो हमने क्या मान लिया, लार्जर का मान लिया हमने एक्स, तो लार्जर जल्दी भरती थी 10 आवर्स जल्दी भरती थी, तो लार्ज जो स्मॉलर है वो 10 आवर लेट भरेगी, तो ये अगर एक्स है तो ये एक्स प्लस 10 है,
तो एक टैप अगर एक्स आवर्स में भरती है तो वन आवर में उसका वो वन बाई एक्स पार्ट भरेगी। इसी तरह से ये वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टेन, टूगेदर की बात हो रही है तो दोनों को प्लस कर देंगे तो वन आवर में इतना भरेगी। अब जो दोनों टैप है वो इतने टाइम में पूरा भर देती है। देखो इस तरह से प्रोकल किया तो वन आवर आ गया, वन आवर का आ गया। इस तरह से प्रोकल किया तो वन आवर का आ गया, तो इस तरह से प्रोकल करेंगे तो वन आवर आ जाएगा। तो वो दोनों मिलकर वन आवर में इतना इतना भरती है हमारे पास, ये तो इसी के लिए लिखा है वन आवर में इतना भरती है। अब ये भी वन आवर के लिए और ये भी वन आवर के लिए, दोनों को इक्वेट किया उसको कर दिया, यहां से एक वैल्यू नेगेटिव आई तो जो हमारे पास टाइम नेगेटिव नहीं होता उसको छोड़ दिया, जो दूसरी वैल्यू आई उससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, मीन्स टाइम टेकन बाय लार्जर टैप आ गया और उसमें टेन और प्लस कर दिए तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। तो फिर बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा एक अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, जिस तरह से वर्क डन का क्वेश्चन था कुछ इसी तरह से है। जब एक दो बार आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कोई समस्या आपको इसमें नहीं आएगी। तो फिर बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।